हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.3 में टॉपिक हमारा है सबसेट क्या होता है। अभी तक हमने क्या पढ़ा, सेट क्या होते हैं, सेट की फॉर्म क्या होती है, सेट बिल्डर फॉर्म एंड रोस्टर फॉर्म। उसके बाद हमने नल सेट पढ़ा। इंटरेस्टिंग टॉपिक है सबसेट क्या होता है, कि सबसेट होते क्या है, सेट में सब्स्टिट्यूट किए जाएं। फॉर एग्जांपल समझिए आप, जैसे हमने एक लिखा रियल नंबर, मान लेते हैं हमने रियल नंबर लिखा x such that x इज ए रियल नंबर। अब हम कह रहे हैं कि सबसेट बताइए क्या क्या होंगे, ए से डिनोट कर देते हैं हम। तो रियल नंबर में तो हमारे सारे आ जाते हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर नंबर। तो सबसे पहले जैसे हम देखते हैं, यहाँ से हमने लिखा b इज इक्वल टू हमने लिखा x such that x इज अ नेचुरल नंबर। कैसे नंबर, नेचुरल नंबर हमारे क्या होते हैं, वो 1, 2 कोई भी मान लीजिए या इन्फिनिट तक मान लीजिए, हमारे जो नेचुरल नंबर होंगे सारे रियल नंबर में प्रेजेंट होंगे। यानी कहने का मतलब है सबसेट हमारे वे होते हैं जो पहले वाले सेट से, जैसे दो सेट गिवन हैं तो इसके एलिमेंट्स बी के एलिमेंट्स सेट ए में प्रेजेंट होने चाहिए। जैसे एक छोटा एग्जाम्पल लेके बताते हैं हम, ए इज इक्वल टू हमने लिखा ए बी सी कॉमा डी ई एफ, हमने इतने एलिमेंट्स लिखे। अब यहाँ से हम कह रहे हैं कि बी इज इक्वल टू सबसेट हमारा क्या होगा, हमने लिख लिया ए कॉमा बी कॉमा सी। अब हम कह सकते हैं कि ये जो ए है हमारा, ए के बी के जितने एलिमेंट्स हैं वो सब ए में प्रेजेंट हैं, ए है, ए प्रेजेंट है, ए प्रेजेंट है, बी प्रेजेंट है और सी प्रेजेंट है, तो ये हमारा सबसेट होगा। सबसेट का सिंबल कुछ ऐसे होता है, ये हमारा क्या होता है, सबसेट होता है। तो वी के जितने भी एलिमेंट्स हैं ए में प्रेजेंट हैं, ये हमारा क्या हुआ, सबसेट हुआ। अभी जैसे इसमें हमने लिख दिया बी इज इक्वल टू सी, नेक्स्ट नंबर मान लेते हैं हम, हमने लिखा ए कॉमा बी सी और हमने लिख दिया जेड, ये हमारा क्या सेट होगा, इसका ए का क्या सेट ये होगा सी। अब यहाँ से देखिए ए तो प्रेजेंट है, बी प्रेजेंट है, सी प्रेजेंट है, लेकिन जेड प्रेजेंट नहीं है, तो ये सी नॉट शी नॉट सबसेट किसका, ए का ये सबसेट नहीं होगा। अब बात आती है कि जितने भी सबसेट होते हैं क्या इक्वल भी हो सकते हैं, जैसे हमने लिखा ए इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, बी लिखा 1, 2, 3, 4, 5, 6। आप देखते हैं क्या जितने बी के एलिमेंट है ए में प्रेजेंट हैं, हाँ बिल्कुल प्रेजेंट हैं, बी सबसेट ऑफ ए, ये बी का सबसेट हो गया। अब अपोजिट देखते हैं, क्या ए सबसेट बी का होगा, ए सबसेट बी का होगा, हाँ ए के एलिमेंट्स प्रेजेंट है बी में, प्रेजेंट है, ये भी होगा। और इन केसेस में जैसे हमने कहा बी सबसेट है ए का, तो इसके अपोजिट अगर कहें ए सबसेट होगा बी का, ए के जितने एलिमेंट हैं, ए के जितने एलिमेंट हैं वो बी में क्या प्रेजेंट हैं, नहीं प्रेजेंट है, ये ए बी सबसेट ए हो सकता है लेकिन यहाँ से ए सबसेट बी नहीं हो सकता। और यहाँ पर क्या है, इक्वल एलिमेंट है, सेम एलिमेंट है, तब हो सकता है कि बी सबसेट सी हो जाए। अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन लेते हैं और क्लियर होगा आप लोगों को कि सबसेट होता क्या है। अब एक एग्जांपल से और समझा देते हैं, जैसे लिखा हमने 1, 2, 3 और हमने कर्ली ब्रेसेस में लिखा 4, फिर 5, 6। अब हम देख रहे हैं कि 1 जैसे है तो 1 हमारा एलिमेंट है ए का, बिल्कुल हमने बताया था ये जो बिलोंग्स टू है, इसका सिंबल जो होता है इसे बोलते हैं बिलोंग्स टू। अब यहाँ से 1 जो है प्रेजेंट है ए में कि नहीं प्रेजेंट है, हाँ ए प्रेजेंट है। अब कह सकते हैं क्या 1 सबसेट है ए का, 1 सबसेट है ए का कि नहीं है, यहाँ से 1 एलिमेंट्स तो हो गया लेकिन ये इसका सबसेट है, 1 का सबसेट है, यहाँ से अगर इस तरीके से लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता है। लेकिन इसे कैसे लिखेंगे, जब हम कर्ली ब्रेसेस में लिखेंगे बी इज इक्वल टू 1 तब ये इसका एक सबसेट होगा, ऐसे ही इसका सबसेट नहीं होगा, ये इसका एक एलिमेंट है। अगर कहा जाए यहाँ से कि 4 हमारा जो है, 4
फोर हमारा सबसेट है कि नहीं है, ये एक एलिमेंट है, क्या है, ये एक एलिमेंट है, किसका, ए का एक एलिमेंट है, सबसेट नहीं है। सबसेट अगर होगा तो इस पे भी एक ब्रेसेस लगाना पड़ेगा हमें, ये हो गया। अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट में कह रहा है, फर्स्ट नंबर एग्जांपल गिवन है 2, 3, 4, 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट, हमें फिल करना है सबसेट या नहीं है सबसेट। फिर है 1, 2, 3, 4, 5। अब यहाँ से हमें बताना है कि ये हमारा सबसेट है कि नहीं है। ये तो जो अलग अलग सेट गिवन है, तो यहाँ पे 2 देखते हैं कि 2 एलिमेंट्स प्रेजेंट है इसमें, 3 इसमें प्रेजेंट है, हाँ प्रेजेंट है, 4 प्रेजेंट है इसमें, प्रेजेंट है। तो यानी जितने भी एलिमेंट हैं वो सेकेंड सेट में हैं। जब सेकेंड सेट में है तो यानी ये हमारा क्या है, एक सबसेट है। क्या है हमारा, सबसेट है। फर्स्ट के सारे क्वेश्चन ऐसे ही होने हैं। सेकेंड में भी कह रहा है ए बी सी, बी सी डी। सेकेंड एग्जाम्पल में कह रहा है ए कॉमा बी कॉमा सी। फिर इसमें कह रहा है कि ए कॉमा सी कॉमा डी। अब हम देखते हैं कि सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। यस, ए प्रेजेंट है, बी प्रेजेंट है, बी प्रेजेंट है, नहीं 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 नहीं, बी नहीं प्रेजेंट है, सी है, बिल्कुल सी है, हाँ सी है, तो बी नहीं है, इसलिए ये हमारा सबसेट नहीं हो पाएगा। तो क्या लिख देंगे, सबसेट नॉट। जैसे इक्वल लगाते हैं फिर नॉट लगा देते हैं, सबसेट नॉट। अब फर्स्ट के तो कुछ इसी तरीके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। सेकंड में हम देखते हैं क्या है, सेकंड नंबर में, सेकंड में कह रहा है एग्जामाइन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। बताना है क्या, बताना है हमें ट्रू और फॉल्स बताना है। सेम ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व होंगे, इसमें भी सेट और सबसेट बताना है, ट्रू और फॉल्स। इसमें कह रहा है फर्स्ट ए कॉमा बी, फर्स्ट है ए कर्ली ब्रेसेस, ए कॉमा बी नॉट सबसेट, सबसेट नहीं है। क्या है, सबसेट नहीं है बी कॉमा सी कॉमा ए का। अब यहाँ से कह रहा है ए कॉमा बी, ए कॉमा बी है, देखो यहाँ से ए जो एलिमेंट है प्रेजेंट है इसमें, बी है, बी भी है, तो कह रहा है कि सबसेट नहीं है, सबसेट नहीं है, इसलिए स्टेटमेंट हमारा क्या है, फाल्स है। सेकेंड क्या कह रहा है इसमें, सेकेंड स्टेटमेंट में कह रहा है कि ए कॉमा ई, ए कॉमा ई। फिर कह रहा है सेकेंड जो गिवन है उसमें हमें बताना है कि ट्रू और फॉल्स है कि नहीं है। उसे हमें बताना है कि एक्स सच दैट इज अ वोवेल, वोवेल में कह रहा है कि ये प्रेजेंट होंगे, बिल्कुल प्रेजेंट होंगे, तो हमारा ये क्या होगा, सबसेट होगा। एक्स सच दैट एक्स इज अ वोवेल। ये भी हमारा क्या होगा, सबसेट होगा। इसी तरीके से इसके भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर हम 3 देखते हैं क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन से चीजें और क्लियर होंगी, सबसेट क्या होता है हमारा। क्वेश्चन नंबर 3, कह रहा है कि लेट ए इज इक्वल टू, सेट गिवन है 1, 2, कर्ली ब्रेसेस में 3, 4 क्लोज कॉमा 5। ये क्या है हमारा, एक सेट गिवन है। इसके लिए कह रहा है आपको बताना है कि जितने भी स्टेटमेंट दिए हैं ये क्या स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, करेक्ट है या इनकरेक्ट है। सबसे पहले फर्स्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है, 3, 4 सबसेट ए। फर्स्ट बताना है 3, 4 क्या सबसेट ए है। सबसे पहले कह रहा है फर्स्ट में 3, 4 क्या सबसेट है ए का, ये बताना है हमें ट्रू है या फॉल्स है। सेकंड बताना है 3, 4 एलिमेंट है ए का। थर्ड है
3, 4 3, 4 सबसेट है ए का, फिर फोर्थ है ए एलिमेंट है ए का, फिफ्थ है 1 सबसेट है ए का। पहले 5 चेक कर लेते हैं कि सबसे पहले कह रहा है फर्स्ट 3, 4 क्या सबसेट है इसका, जो सेट गिवन है हमारा ए इज इक्वल टू 1, 2 और ये पूरा एक हमारा क्या है, एक एलिमेंट है, क्या है, एक एलिमेंट है। तो एक एलिमेंट हमारा सबसेट कब हो सकता है, जब उसके ऊपर कर्ली ब्रेसेस लगाया जाए, ऐसे ये हमारा सबसेट नहीं हो सकता, ये हमारा एक एलिमेंट होगा। क्या होगा, एक एलिमेंट होगा, इसलिए स्टेटमेंट हमारा ये क्या है, ट्रू है। सेकंड क्या है कि एलिमेंट है, सॉरी ये स्टेटमेंट हमारा फाल्स है, गलत है, इनकरेक्ट है। ठीक, सेकंड में क्या कह रहा है, कह रहा है इसका एक एलिमेंट है, तो ये एक एलिमेंट है, क्या है, एलिमेंट है, सबसेट नहीं है। सबसेट कब होगा, जब कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे हम इस पे। तो यहाँ से ये तो एक एलिमेंट प्रेजेंट कर रहा है, ये क्या है, करेक्ट है। अब फिर इसके बाद कह रहा है इस पे कर्ली ब्रेसेस लगा है 3, 4 तो ये हमारा सबसेट होगा ही। फिर कह रहा है 1 जो है, 1 सेट में ए में गिवन है, तो सेट ए में जो गिवन है वो उसका ए जो 1 है, 1 वो सेट ए का एक एलिमेंट है। हाँ बिल्कुल, एक क्या है, एलिमेंट है। फिर कह रहा है क्या सबसेट है, क्या सबसेट है, इस पे कर्ली ब्रेसेस लगा देंगे तो हमारा ये सबसेट हो जाएगा, ऐसे ये इनकरेक्ट है, ये करेक्ट है। ये तो थे 5 ऑप्शन, 5 और गिवन है इसके, वो भी लिख के हम समझा देते हैं आपको। फिर आगे नेक्स्ट पार्ट में कह रहा है 6 में 1, 2, 5 सबसेट ए, क्या है, सबसेट ए। सेकंड कह रहा है कि 1, 2, 5 क्या एलिमेंट है का, यहाँ से जैसे ये सेट गिवन है, क्या कह रहा है, सेट गिवन है, इसमें कह रहा है कि बताना है, जो हमारा सेट ए दिया है उसमें बताना है कि हमारा जो 1, 2, 5 है वो क्या ए का सबसेट है, ए का सबसेट है। तो देखिए 1 भी प्रेजेंट है, 2 भी प्रेजेंट है, 5 भी प्रेजेंट है, तो यहाँ से कर्ली ब्रेसेस भी लगा है, तो हमारा ये क्या है, करेक्ट है। अब कह रहा है कि 1, 2, 5 ये क्या एलिमेंट है का, एलिमेंट का मतलब होता है कि कर्ली ब्रेसेस के अंदर ये प्रेजेंट होना चाहिए था, अलग अलग नहीं होना चाहिए था सेपरेट में, ये एक कर्ली ब्रेसेस में प्रेजेंट होना चाहिए था, अगर उस फॉर्म में प्रेजेंट होता तो ये हमारा एलिमेंट होता, ऐसे ये इनकरेक्ट है, क्या है, इनकरेक्ट है स्टेटमेंट। फिर आगे 7 तक हो गए, फिर आगे है 1, 2, 3 अब इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है कि ये हमारा एलिमेंट है ए का, एलिमेंट है ए का। फिर नेक्स्ट आगे कह रहा है कि 1, 2, 3 फिर आगे है 5 ए का एलिमेंट है, 5 ए का सबसेट है, 5 ए का सबसेट है या नहीं है, तो यहाँ हमें बताना है कि ये सबसेट है कि नहीं है। क्या है 1, 2, 3 हमारा सबसेट है ए का, नहीं है कि नहीं है। अब देखो यहाँ से कह रहा है कि एलिमेंट के लिए बताना है, ये सारे तो हमारे एलिमेंट थे लेकिन सेपरेट एलिमेंट नहीं थे, इसलिए ये इनकरेक्ट है। अब यहाँ से क्या है 5 एक एलिमेंट है कि नहीं, अभी इससे पहले हमने बताया था कि अगर 5 गिवन है, 5 अगर गिवन है किसी सेट में तब तो उसका एलिमेंट हो सकता है, अन्यथा वो एलिमेंट नहीं हो सकता। लेकिन जितने भी हमारे सेट होंगे, कोई भी हमारा सेट होगा, उनकी सबके 5 एक सबसेट होगा, 5 क्या होगा, एक सबसेट होगा, 5 क्या होगा, अगर कर्ली ब्रेसेस में है तो क्या होगा, सबसेट होगा। स्टूडेंट इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, थैंक यू।